नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम। प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से करें। खबर यह है, बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत बड़ी गलती। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो गलती हुई है वो ऐसी गलती है जिसको अब हम जब हम आपको बताएंगे तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल गलती ये हुई कि जो सरकारी आंकड़े मध्य प्रदेश की तरफ से थे, जिसमें कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा था 34 लोगों का, लेकिन खबर यह आई कि 150 से ज्यादा को श्रद्धांजलि दे दी गई ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। 150 से ज्यादा को श्रद्धांजलि देना अपने आप में बताता है कि सिंधिया से कितनी बड़ी गलती हुई है। अब मैं आपको एक गलती और बताता हूँ। जब सिंधिया मंच पर थे और जब वो हालात के बारे में बता रहे थे, कोरोना से जो आंकड़े खराब, जो स्थितियां खराब हुई उसके बारे में बता रहे थे, तो इस तरह की गलतियां वो करते जा रहे थे जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था कि इतनी बड़ी गलतियां उनसे हो रही हैं। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो सिंधिया लगातार गलती पे गलती करते चले जा रहे थे और हालात इतने ज्यादा अलग हो चुके थे जिससे साफ पता चल रहा था कि माहौल अब कितना अलग हो चुका है और स्थितियां भी कितनी अलग होती नजर आ रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, सिंधिया ने क्या क्या गलती की और क्या क्या कुछ बोल गए सिंधिया, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन उस बार उन्होंने एक ऐसी चूक कर दी जिसके बाद वो चर्चा का विषय बने हुए। दरअसल मध्य प्रदेश के अशोक नगर में अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ कोरोना से मरने वाले 150 से ज़्यादा लोगों को श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 34 लोगों की ही कोरोना के चलते निधन हुआ था। अशोक नगर में अपने प्रस्ताव के दौरान सिंधिया ने जनसंपर्क किया, जहां एक मंच पर उन्होंने लोगों को कोरोना का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने वायरस के बारे में बात करते हुए कहा कि पहला वायरस जो मुझे हुआ था वो अल्फा वायरस था और जो दूसरा वायरस है वो डेल्टा रूप है। उन्होंने कहा कि ये वायरस 8 गुना तेजी से फैलता है। कोरोना का पाठ पढ़ाते हुए सिंधिया ने बताया कि अल्फा वायरस की बूंदें बहुत महीन होती हैं। हालांकि दूसरे ही पल सिंधिया ने अपने बयान में सुधार भी किया था। वहीं सिंधिया ने मंच पर अपनी ही तारीफों के कसीदे भी पढ़े। सिंधिया यहां अपनी तारीफ में इतना डूब गए कि उन्होंने अपने बयान में ये इशारा दे डाला कि मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान जो भी मदद हुई वो एमपी सरकार ने नहीं बल्कि उन्होंने की। सिंधिया ने मंच से कहा कि ऑक्सीजन के लिए देश में टैंकर की कमी थी, मैंने विदेश से टैंकर मंगवाए, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं था, मैंने ऑक्सीजन लाने के लिए वायुसेना को फ़ोन किया। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका से भारत ने जो बड़े बड़े प्लेन खरीदे जिनमें टैंकर जाते हैं उन पेंस को भी मैंने ही बुलवाया था। सिंधिया ने कहा कि टैंकरों की लंबाई बहुत थी, हमने टायर को पंचर करके प्लेन में लगाया था। सिंधिया यही नहीं थमे, उन्होंने आगे कहा कि जब एक व्यक्ति को इंजेक्शन की जरूरत थी, भारत में तो इंजेक्शन बनते नहीं थे, मैंने एक कंपनी से निवेदन करके मैंने मध्य प्रदेश में 10,000 इंजेक्शन मई में, 1,00,000 इंजेक्शन अप्रैल में दिलवाए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऑक्सीमीटर भेजा है, मैंने थर्मामीटर भेजा है, अशोक नगर में मैंने ऑक्सीजन प्लांट दिया, मैंने एम्बुलेंस भेजी। सिंधिया द्वारा मंच पर दिए गए इन सभी बयानों से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा मिल गई है, जिसके बाद अब सिंधिया की चूक और उनके बयानों पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से बहुत बड़ी गलती की, इससे साफ पता चल रहा है कि सिंधिया यहाँ पर ये कहने की भी कोशिश कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कोरोना से जो हालात निपटने के लिए बने थे उसमें उन्होंने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया कि उन्होंने ही मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मदद का अपना हाथ बढ़ाया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जिस तरह से माहौल दिखता नजर आ रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि लोग अभी भी एहतियात बरतें। आपको बता दें कि मौजूदा समय के हालात तो कुछ इस तरह की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि शिवराज सिंह चौहान से अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनता को ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता की मदद की। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बीते काफ़ी समय से
बहुत ज़्यादा मनमुटाव देखने को मिला है। गौर करने वाली बात तो है कि सिंधिया बीजेपी में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब जो मौजूदा हालात है उसमें देखने को मिल रहा है कि सिंधिया पूरी तरह अपनी ताकत दिखाते नजर आ रहे हैं। सिंधिया खुलकर अपनी तारीफ ही कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अपनी तारीफ करते हुए वो ये भी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए किस तरह से उन्होंने बड़े स्तर पर काम किया, और साफ तौर पर उन्होंने ये बताया कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए वो हमेशा से खड़े रहे और किस तरह उन्होंने मदद की और भी इशारा किया। वैसे आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार ये बात बोल चुके हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने बड़े स्तर पर काम किया है और उन्होंने सरकार से ज़्यादा लेवल पर काम किया। तो देखा आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या बड़ी गलती और किस तरह से बड़ी बड़ी बातें वो बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहली बार इससे बड़ी गलती हुई है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनसे खुद को आगे बढ़ाने की बात सिंधिया ने की है। यानी कि सिंधिया जो है वो खुद को आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे शिवराज सिंह चौहान से। गौर कीजिएगा कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के बीच बीते काफी महीनों से विवाद भी चल रहा, हालांकि खबर जो है काफी हद तक छुपा दी ली जाती है। लेकिन आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि साफ सीधे तौर पर कहा जाए तो पार्टी में एडजस्ट करने की कोशिश सिंधिया की तरफ से जिस तरह की जा रही है, इसका साफ मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अब माहौल अलग होता नजर आ रहा है, स्थितियां अलग होती नजर आ रही है, और कुल मिलाकर कहा जाए तो कहीं ना कहीं हालात भी अलग होते नजर आ रहे हैं। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा उन्होंने स्थितियों को संभाला, उन्होंने हालात को किस तरह संभाला, और पूरी तरह से उन्होंने कोशिश ये की कि जो सिंधिया है उन्होंने कोशिश ये की कि शिवराज सिंह चौहान से ऊपर उठकर काम किया जाए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।